सो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ गुच्छुक पानी की। ये गुच्छुक पानी में लेके जाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए कि ये रास्ता कैसे जा रहा है। और ये थोड़ा सा पतला सा रास्ता है, तो प्लीज़ ड्राइविंग और राइडिंग सेफ कीजिए। सो गाइस, गुच्छुक पानी के लिए जो गली जाती है वहाँ से आप सीधा 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 जाना, जिस तरीके से मैंने गाड़ी मोड़ी आप देखते रहना। और यहाँ पर पूरा पार्किंग है, यहाँ पर खाने पीने का पूरा फैसिलिटीज़ है। और गुच्छुक पानी आई हूँ, और गुच्छुक पानी के ब्लॉग में आप देखोगे सारी डिटेल्स की, टिकट कितने की होगी, कैसे रास्ता क्या नहीं है, देखते रहो। सो गाइस, यहाँ पर जो टिकट है वो 35 पर मैन की है, यानी मैन वुमेन की है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको टिकट मिलेगा। और सो गाइस, गुच्छुक पानी में आकर जो आपने वो गुफा से देखा ना, उसके अंदर जाके आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और संडे के दिन है तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो लाइटिंग के थोड़ी इशू है, क्योंकि सनलाइट यू नो पीछे ऐसा है और मैं ऐसे हूँ, तो फिर आप समझ सकते हो, तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो व्यू देखो यार। सो गाइस, जैसे कि आप गुच्छुक पानी की तरफ जाओगे, गुफा से पहले आपको ये नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर पूरा खाने पीने का स्टॉल्स है, चाउमीन, मोमोज, मैगी, व्हाटएवर जो आपको चाहिए होगा ये पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। गुच्छुक पानी के यू नो मेन गेट के एंटर करते हुए आपको ये सब मिलेगा। और वहाँ पर गुच्छुक पानी के जगह से पहले आपको ये चप्पल का स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर 10-10 रुपये का है। वहाँ पर आप शूज़ पहनने में क्योंकि अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर स्लीपर्स दिया जाता है। एंड लुक एट द व्यू गाइस, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ कि एक तो संडे का टाइम, ऊपर से भीड़ ही भीड़। आप सोच रहे होंगे पानी अभी इतना ही है, ध्यान से देखिए गाइस। कुछ चीज़ें कैप्चर मोबाइल कम करता है, लेकिन गाइस ये अंकल तो जो मेरे आगे जा रहे हैं ना, ये अंकल गिर गए थे। इनको देख के मैं डर गई थी, मैंने बोला इनका इतना हाल है तो मेरा क्या होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे पानी बहुत गहरा मिलता हुआ जाएगा आपको। तो मैंने ये कहा कि अंकल को पहले चलो। और गाइस, पानी की आवाज़ सुनिए, सुनो कितना ज़्यादा शोर था, जिस वजह से मैं सो गाइस, ये है गुफा। और गुफा में आते हुए आपको ये नज़ारा दिखेगा। वहाँ पर गुच्छुक पानी का मतलब यही था कि यू नो पानी बीच से जा रहा है और पूरा जितना भी नज़ारा है वो गुच्छुक पानी यू नो गुफाओं में ढका हुआ है। एंड बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैं बार बार कहूँगी बहुत ही मज़ा आ गया। लेकिन गाइस, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ क्या, गुच्छुक पानी में अगर आप आओगे तो प्लीज़ संभल कर ध्यान से देखो। इस गुफाओं के बीच बीच में ये सांप मुझे दिखा, और वहीं पर बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी, मैंने उसको बता दिया था यहाँ पर सांप है। लेकिन फिर भी मतलब मुझे वैसे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऐसी जगहों में सांप वगैरह रहते हैं। सो ये गुफा का लास्ट कॉर्नर है, जब आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे गुफाओं के बीच में तो ये लास्ट कॉर्नर आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप देख रहे हो ना लोग उतर रहे हैं, तो वो जगह के ऊपर ऊपर जाओगे तो आपको यू नो, मैं गई नहीं क्योंकि मुझे अनसेफ लगा, वो पहाड़ों के बीच बीच में चढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक रील्स बना लिया जाए, तो मैं रील्स बना रही थी और मैं रील्स बनाते बनाते गिर गई। कोई बात नहीं, इट्स मैटर। और वहाँ पर सांप भी था, कितना कॉन्फिडेंट। तो गाइस, ये था गुच्छुक पानी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था और मैं फर्स्ट टाइम आई थी। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।